उनका नाम बुलाया हूँ मैं और गाड़ूंगा मैं, ये मेरा अपना चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है, चैलेंज है जो सामने दिखाया है। इन्होंने अपना अपना बेटे को लड़ाया, उसमें भी इनको हरा कर हम लोगों ने हराया है सब, तो सुन लीजिए विश्वास नहीं कर पा रही है और नहीं दे पा रही है, तो कोई माने नहीं है कि हम एक ही जगह बैठ कर आज 14 से आज तक अब तक मैं अंडा से रहा हूँ, हम लोग कब तक अंडा सेवेंगे? अगर बीजेपी नहीं समझ पा रही है तो हम समझा देंगे। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ इंडिया। इस वक्त मैं विधानसभा जहुराबाद में हूँ, गाजीपुर का एक ऐसा सीट जहाँ तमाम नेताओं का जो है नजरें इस विधानसभा जहुराबाद पे अड़ा रहता है। ये जहुराबाद वही जहुराबाद है जहाँ से ओम प्रकाश राजभर दो बार विधायक है, इससे पहले कालीचरण राजभर भी रहे, लेकिन अब तक क्या हुआ और क्या बदलाव आया, इन तमाम बातों पे सवाल करेंगे। लेकिन इस समय बीजेपी के हमारे साथ वरिष्ठ नेता है, आइए सीधे इनसे बात करते हैं और पर्चे कराते हैं। पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी भाई आपके चैनल को देख रहे हैं मैं सबको प्रणाम नमस्कार करते हुए और सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा। और रही बात, मेरा नाम अक्षय कुमार राजभर, मैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख रतनपुरा, जनपद मेरा मऊ है। अच्छा, रतनपुरा से आपका सफर जहुराबाद विधानसभा में किस तरह का कार्यक्रम में था और यहाँ जहुराबाद में आपकी उपस्थिति किस लिए? देखिए, जहुराबाद खास तौर से अगर बात किया जाए तो हमारा यहाँ मरदह ब्लॉक और प्लस कासिमाबाद और बड़ाचौर, ये तीनों ब्लॉक से मैं जुटा हुआ हूँ और हमारी रिश्तेदारियाँ भी इतने काफ़ी हैं तो वहाँ से वहाँ तक मैं फैला हुआ। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है नेताजी कि 27 का चुनाव से पहले आप यहाँ भी एंट्री मार रहे होंगे कि 27 में यहाँ भी अपना जो है कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ से ओम प्रकाश राजभर विधायक है, तो कहीं ना कहीं इस विधानसभा की तरफ आप लोग नज़र 27 को लेकर कहीं ना कहीं नजरें गड़ाई है? देखिए, मैं जहुराबाद से चुनाव लड़ने का हमारा इच्छा बन चुका है। अच्छा, बन चुका है? बन चुका है, जहाँ से ओम प्रकाश लड़ेगा मुझे वहाँ से चुनाव लड़ना है। क्यों ओम प्रकाश से इतना बगाव क्यों? ओम प्रकाश से बगाव के कारण यह है कि अगर यूं मानिए तो जो हमसे जो बात कर रहे हैं आप ना, तो यह मान के चलिए कि आज की डेट में ओम प्रकाश राजभर हमारे राजभर समाज को जो इन्होंने कई तरकुल नीचे इन्होंने गाड़ दिया है। अच्छा, और ओम प्रकाश अगर आज यहाँ से यहाँ तक अगर आए हुए हैं तो जड़ और देन मैं हूँ, क्योंकि ओम प्रकाश यूं माने कि ओम प्रकाश राजभर पार्टी के जन्मदाता हैं तो उनका मैं कर्मदाता हूँ। अब ओम प्रकाश के जवाब की बात करेंगे अगर तो ये पूरे पूर्वांचल नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, अक्षय कुमार राजभर है और कोई नहीं है, क्योंकि ओम प्रकाश को स्टैंड करने का मैं संपूर्ण अपने न्यौछावर किया है और मैं 2000 से ब्लॉक प्रमुख बना हूँ। मैडम हमारी 15 वर्ष प्रधान भी रही हैं, हम लोकसभा चुनाव भी 2004 में लड़ चुका हूँ घोसी से, जो चंद्रदेव राजभर लड़े थे, और आए दिन आज की डेट में ओम प्रकाश राजभर मात्र वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अगर आज ओम प्रकाश अगर मेरे साथ अगर पीछे नहीं पड़ा होता तो मैं आज मऊ सदर का मैं विधायक भी रहा होता और 2004 से जो लोकसभा में चुनाव लड़ा ये निर्दलीय पार्टी से, जो ओम प्रकाश को मैंने स्टैंड किया उसी पार्टी से, सुलदेव पार्टी से ही मैं चुनाव लड़ा था। उस समय हम 52,000 मत तोड़ पाए थे। यानी कि पहले सुलदेव पार्टी में आप थे किसी पद पे? मैं सुलदेव पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष था और जब ओम प्रकाश राजभर जब यहाँ पर आए तो उनको स्टैंड मैंने ही किया है। ओम प्रकाश राजभर को 2002 में, तमाम नेता कहते हैं कि स्टैंड में किया हूँ, कहीं क्षेत्र का बात किया जाए तो कहते हैं कि वो हवाई चप्पल से आए और आज आगे बढ़े तो हम लोगों ने मेहनत किया, चंदा लगाया, उनके लिए क्या क्या किया, ये तमाम बातें आती है। देखिए, और जो कोई भी नेता कुछ भी कहता है सबका स्वागत है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी नेताओं का सहयोग सपोर्ट है और रहा है, मैं नहीं कह सकता हूँ नहीं मैं ही हूँ, लेकिन जड़ मैं हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं प्रमुख था, 2000 में ब्लॉक प्रमुख बना, 2001 में बहन से मेरा लफड़ा हुआ, उन्होंने कहा कि भाग जाओ निकल जाओ, तो मैंने कसम खाया था कि राजभर जाति का जो राष्ट्रीय पार्टी बनाकर लेकर अगर आ जाएगा तो जी जहाँ लुटा कर मैं अपने औकात को दिखा दूंगा। तो ओम प्रकाश राजभर को 2002 में जब मऊ की धरती पर आए तो स्टैंडिंग उनको वहीं से किया गया, मैं एक इकलौता प्रमुख था, उनका सारा सपोर्ट मुझे देना पड़ा, मैंने उनको खींचकर घर लाया, लाकर उस समय जो लोग कहते हैं कि पाँव में चप्पल नहीं था, फटा फुटा उनका कपड़ा था, चलने का कोई कुछ नहीं था, बस एक अटैची लेकर चलते थे, कहते थे कि इस अटैची में 125 करोड़ रुपया मैं अपना लेकर चल रहा हूँ, तो 125 करोड़ जो है हमारे जनता का मुंड दिखाने की बात करते थे कि मैंने वही उसी को नोट मानते थे। और सवाल एक है कि जनमानस जनता भगवान है, जनता से बढ़कर कोई शक्ति इस धरती पर नहीं है और ना कोई दौलत है, जनता ही जो है सब कुछ है और जनता जिसको चाहती है जहाँ तक पहुँचाना वहाँ तक पहुँचा देगी। अब ओम प्रकाश अगर आए तो वह 125 करोड़ जो दिखाई दिया उनको उस अटैची में, उस जनता का अपना मुंड मानिए या सबकी भावनाओं का एक था उनके अंदर जो था कि नहीं सब जनता मेरा साथ है, उसी को नोट मानते थे, जनता को ही नोट मानते थे कि जनता हमारी है और जनता
का मैं सेवक हूँ, मैं अगुवाई कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये बताइए नेताजी, आप राजभर समाज से आते हैं, वो भी राजभर समाज से आते हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी में आप भी है, वो भी है, लेकिन आखिर का बीजेपी पार्टी से भी है और समाज से भी है, लेकिन इतना दूरियत क्यों? देखिए, जब 2000 में ओम प्रकाश को लाकर जब हमने अपना पूरी ताकत पूरी शक्ति दे दिया 2004 में, और हम लोगों ने मऊ के धरती पर जो मीटिंग किया था, वैसा मीटिंग आज तक अब तक कोई किसी ने नहीं कर पाया है। उस मीटिंग को देखकर चंद्रदेव राजभर को टिकट मिला लोकसभा का, और वहीं से ओम प्रकाश ने कहा कि प्रमुख जी मेरा मांस चाहिए। हम आखिरकार जन समूह मेरा दिखाया मैंने, आज अगर राजभर चंद्रदेव को समाजवादी पार्टी से टिकट मिल गया है तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा कद खत्म हो जाएगा, मुझे अपना मान से हम कल की चुनाव लड़ोगे? या तो कहे कि नहीं, मेरे पास क्या औकात है। कोई ओम प्रकाश यादव को बलिया से चुनाव लड़ाए, श्रीनिवास भारती को बहन जी के खिलाफ अकबरपुर से लड़ाए, गोपाल शरण कंजिया को लालगंज से चुनाव लड़ाए, आघोषित में स्वतः स्वयं सेल्फ लड़ गया, जो एक राजभर चुनाव लड़ा उस समय 52,000 वोट हमने प्राप्त किया था, मांस तो दे दिया। अगेंस्ट उपचुनाव आजमगढ़ में हुआ, वही से कहानी खेला हुआ 2006-07 की बात है, 7 की बात। वहां से समझौता सपा से था, उपचुनाव हम लोग लड़े, समाजवादी पार्टी से 3 टिकट मिल रहा था, चंदौली, घोसी और बस्ती में। तो यहाँ से हमने कहा था कि घर जाकर उनसे बात हुई, तो अध्यक्ष से कहा कि क्या ये सीट मिल रहा है, मैं चुनाव लड़ूँ? तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ भट्टा चलाओ। हमने कहा क्यों, चुनाव तो मैं लड़ा हूँ लोकसभा का, मांस मैंने आपको दिया, 3 लोगों को लड़ाया तो सारे अपना सत्य आपको प्रदर्शित किया और मांस दे दिया, और जब समय आया है चुनाव जीतने का और लड़ने का तो आप कह रहे हैं कि भट्टा चलाओ। तो हमने इस बात को कहा कि अध्यक्ष जी, आपकी पैदाइशी से पहले से मैं भट्टा चला रहा हूँ 95-96 से, और 2000 में हम ब्लॉक प्रमुख बने हैं, 2001 में बहन सलाह पड़ा हुआ, 2002 में आपको लाकर स्टैंड किया, और 2002 में आप आए, और 2004 में लोकसभा चुनाव लड़कर पूरे औकात दिखा दिया गया, पूरे प्रदेश को, देश को, दुनिया जान गई। अब आज ओम प्रकाश ने भगा दिया, उसके बाद जो है हम अपना स्थिर हो गए। अब समाजवादी पार्टी में हम जाकर खुद पार्टी ज्वाइन किया और 14 तक हम रहे, और RSS जो है मुझे घर से उठा के लेकर आई है, हाँ RSS घर से उठा के लेकर आई लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। और उसके बाद में वहीं से मामला यह हुआ कि अब नए पुराने का मामला आ गया, तो हरिनारायण जी पुराने थे, मैं नया था। हमने कहा RSS वालों से कि मैं जुमा 2 माह ही मैं मात्र आया हूँ, और चंद्रदेव राजभर अगर चुनाव लड़ रहे हैं और उस समय मैं 52,072 रुपए पाया है तो फर्ज मेरा बनता था, लेकिन जब इन्होंने जब नहीं लड़ाया तो उसके बाद में हम चले गए सपा में। सपा में जाने के बाद में RSS मुझे घर से उठा कर लेकर आई और कहा कि नया पुराना, तो नया पुराना में हरिनारायण का मामला आया। हरिनारायण का हमने स्वागत किया कि पुराना है, सीनियर है, उनको लड़ना चाहिए, और हमने कहा कि ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी राजभर होगा 85% वोट करेगा, और किया भी। तब से आज तक निरंतर राजभर बीजेपी के साथ रहा है, और प्लस ओम प्रकाश कभी सपा में गए, कभी फिर बीजेपी में आए, कभी कहीं उनका आना इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल, उनका कूदना उनका फितरत है, और वो इधर उधर आना जाना लगा है, और वह सीट मांगेंगे बीजेपी में आएंगे, सीट मांगेंगे कि हमको कहने में कि 5 सीट चाहिए लोकसभा का, अब 5 सीटों में रिजिट हो जाएंगे कि मुझे सिर्फ घोसिए चाहिए, विधानसभा में कहते हैं कि मुझे सीट चाहिए 17-18, और उसमें भी वो जो है रिजिट हो जाते हैं कि मुझे सदर चाहिए, मऊ सदर। अब मैं मऊ सदर का रहने वाला व्यक्ति हूँ, मैं मऊ सदर अपने स्थान से ही लड़ना चाहता हूँ, लोकसभा भी मैं अपना स्थान लड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये ओम प्रकाश इन्हें प्रकरण आकर वो सिर्फ मेरा काट करने का काम करते हैं, क्योंकि इस वजह से जहूराबाद उनका क्षेत्र है, 2 बार यहाँ की जनता ने बनाया है, और मैं उनकी हर का औकात, उनकी हर का असलियत मैं पर्दे पर लाना चाहता हूँ, और मैं ओम प्रकाश को एक चीज सबक सिखाना चाहता हूँ, सबको जानना चाहता हूँ, यह ओम प्रकाश राजभर, यह राजभर भी नहीं है, राजभर भी नहीं है, वो जात के बिहार हैं, और बिहार हैं, अगर भर होते हैं राजभर होते तो जो उन्होंने कसम खाया था कि आज जीवन में चुनाव नहीं लड़ूंगा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सभासद कुछ नहीं, गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए समाज के बेड़ियों को तोड़कर मैं मुक्त कराना चाहता हूँ, ऐसा कहाँ हुआ? अगर समाजवादी पार्टी से उनको टिकट मिला 17 तो वह मात्र बापे बेटा लड़े, फिर बीजेपी में आए 17 में, सवाल ये कि वो भी लड़ेंगे तो मात्र बीजेपी में रहेंगे चाहे कहीं भी रहेंगे, सदर को और लोकसभा घोसी को नहीं छोड़ेंगे खाली मेरे कार्ड को लेकर, और इस वजह से बीजेपी भी नहीं समझ पाती है कि क्या हमारे में भी अपने कार्यकर्ता मजबूत है कि नहीं है, तो यह तो बीजेपी का भी दोष है, बीजेपी के शीर्ष नेताओं का भी दोष है, और मैं मेरा यह चैलेंज हो चुका है कि जहां से ओम प्रकाश लड़ेंगे मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। टिकट ना दे बीजेपी आपको, आपके पार्टी अगर ना वहां अनुमति दे तो फिर क्या? देखिए, अगर मैं बीजेपी में हूँ ओम प्रकाश का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी नहीं है, वो एक पार्टी है। अभी तो है ना, अभी तो बीजेपी पार्टी है, हाँ वो है, लेकिन वहां से कब वो हट जाए कोई गारंटी नहीं है, उसका कोई विश्वास भरोसा नहीं है, एक जगह रहने वाला व्यक्ति नहीं है, वो तो खाली स्वार्थ अपने लालच में अपने उस पद को बचाने में लगा हुआ है कि हमारा किसी से जान बचे, क्योंकि अब आपने अभी अभी देखा होगा कि जो जितने परीक्षा दिए थे बच्चे सब पेपर आउट हुआ है, वो सारे आउटों में मेन तो मुखिया यही है। अच्छा, ओम प्रकाश? हाँ, ओम प्रकाश है। अरे बेदीराम और बेदीराम जो है वो मुख्य है, लेकिन ये छेदीराम हो गए। अच्छा, छेदीराम हो गए, तो ये तो इन्होंने कहा था ना कि अरे हमारे राजभर समाज के नेता, आप कहीं से भी फॉर्म भरो, कहीं से फॉर्म भरो, तुम फॉर्म भरोगे
जिस दिन कार्ड लेटर आपको मिलता है आप हमसे मिलो, हमसे मिलो और तुम्हारी नौकरी पक्की। यानी कि ये बातें सामने हुई है या इस तरह से बातें ओम प्रकाश एकदम मंच से कहने में थी बोला है, मंच से बोलकर पूरे जनमानस कौन नहीं जानता इस चीज को, सभी जानता जानती है कि ओम प्रकाश जो है एकदम डायरेक्ट बोला है कि वो मेरा विधायक है, मेरे सिंबल से विधायक है छड़ी से, और वो मैं जो कहूंगा वही होगा और वह उस तरह का काम कर रहा है, चल रहा है व्यक्ति। तो अब सवाल है कि बीजेपी आज है, मैं मानता हूं कि है, लेकिन जब वो सदन नहीं छोड़ सकते हैं तो मैं कसमाबाद क्यों छोड़ूं? अगर बीजेपी अगर नहीं समझ पाती है, बीजेपी नहीं समझ पाती है तो एक कोई माने नहीं कि नहीं 27 में तो इसका मतलब लड़ाई होगा, जो टिकट को भी लड़ाई हो सकता है क्योंकि राजभर ही राजभर लड़ेंगे, ओम प्रकाश राजभर तो ये गढ़ छोड़ेंगे नहीं जहां तक ये मानना है, तो आखिरकार ओम प्रकाश राजभर नहीं छोड़ेंगे और तमाम आप जैसे नेता भी दावेदारी कर रहे हैं तो फिर कैसे यहां पे होगा? देखिए अगर ओम प्रकाश राजभर, मैं तो इतना जानता हूं कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में टिकने वाला नहीं है और यहां से नहीं, अगर चुनाव यहां से लड़ता है ओम प्रकाश तो मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा, अगर नहीं बीजेपी देती है क्योंकि सदर नहीं देगी, रसना नहीं देगी और अगर जोहराबाद नहीं देगी, तो जब ओम प्रकाश यहां से वहां तक आ जा सकते हैं तो आजकल हम तो कूदने फांदने वाले व्यक्ति नहीं है, लेकिन जब बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास नहीं कर पा रही है और नहीं दे पा रही है तो कोई माने नहीं है कि हम एक ही जगह बैठकर आज 14 से आज तक अब तक मैं अंडा से रहा हूं, हम लोग कब तक अंडा सेवेंगे? अगर बीजेपी नहीं समझ पा रही है तो हम समझा देंगे। अच्छा। बीजेपी को भी हम, बीजेपी में सबसे बड़ा जो है अगर कोई दोषी है तो अमित शाह जी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ओम प्रकाश को लाने वाला, ओम प्रकाश को लाने वाला अमित शाह है और अमित शाह जो है अपने कहने में कि ओम प्रकाश को अपना भगवान मान लिया, पूरे हिंदुस्तान का वही राजभर का इकलौता वो बेटा है, जो चाहेगा वही होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, यह अवकाश मैं बीजेपी का चोला पहनकर और बड़ा ये बड़ी बात कर रहे हैं कि बीजेपी का औकात दिखा देंगे, बीजेपी में इससे इतना नाराजगी तो दिखाई नहीं गया अभी, हमने बहुत पहले भी जब ओम प्रकाश जब दारा सिंह चौहान आया था और बैठ लेने वाला बैठ लिया तो हमने साफ तौर में कहा कि ओम प्रकाश के पास औकात है और दारा सिंह के पास औकात है तो चुनाव लड़कर जीत कर लो देख ले, क्योंकि इधर से उधर उधर से उधर कूद फांद गाने वाले व्यक्तियों का हम लोग देखिए बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे बीजेपी में माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और कहने में कि दीनदयाल उपाध्याय जी का एक वक्तव्य है कि जनताओं का भावनाओं का आदर शीर्ष नेतृत्व अगर नहीं कर पाता है तो जनता भी स्वतंत्र है, अशोक किया गया दारा सिंह के साथ और उसके बाद घोसी में इन्होंने अपना अपने बेटे को लड़ाया, उसमें भी इनको हरा कर हम लोगों ने हराया है, सब तो सुन लीजिए हम लोगों ने हराने का आप लोग मिलकर हराने काम किया गया है, क्योंकि वो राजभर का पूरे मुंड खाने का पूरे राजभर को खत्म करने का वो सब संकल्पित हो गया है कि मेरे सिवा मेरे परिवार के सिवा मेरे बेटे के सिवा थर्ड कोई राजभर नहीं, तो क्या और राजभर कोई भनुआ थोड़ा ही नहीं है, भवना थोड़ा ही नहीं है, ओम प्रकाश को लाया हूँ मैं और गाड़ूंगा मैं, ये मेरा अपना चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है, चैलेंज है जो सामने दिखाया है। और यहाँ पर भी अगर बीजेपी वोट नहीं, देखिए बीजेपी सबको घृणा नहीं है लेकिन बीजेपी के पास अगर थोड़ा सोच अगर पैदा नहीं करेगी कि अपने उसके पास भी कार्यकर्ता है कि नहीं, जानते हैं अगर आपको कहीं दूसरी जगह से टिकट मिल जाए तो फिर कैसे लड़ेंगे? देखिए हमारा सा सदर है पहला, मऊ सदर है लेकिन ओम प्रकाश मानेगा नहीं, क्योंकि 2017 में जब अमित शाह जी ने जब हम लोग जंतर मंतर पर दो दिवसीय मीटिंग किए थे और जब अमित शाह ने कहा था कि मैं राजभर को 10 सीट दूंगा, 10 सीट देने के बाद ओम प्रकाश राजभर 25 तारीख को 17 में हमको बुलाए अपने यहाँ, हमसे कहे थे कि प्रमुख जी मैं आपका कर्ज भरना चाहता हूँ, हमने कहा कि अध्यक्ष जी कोई कर्ज नहीं, मेरा एक सोच थी समाज का एक मुंड दिखाना, समाज का एक रूप दिखाना कि हमारा राजभर भी समाज हमारे इस पूर्वांचल में है, राजभर जो चाहेगा वही होगा और जिसके ऊपर वोट करेगा वो चुनाव जीतेगा कोई पार्टी हो। यानी कि अब साफ देखा जाए तो 27 पे जो चुनाव है उससे पहले जोहराबाद में भी एंट्री है और ये दावे के साथ है कि अब यहाँ से ओम प्रकाश राजभर के समक्ष लड़ने के लिए अच्छे राजभर पूरा जोर आजमाइश करेंगे, कहीं कसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए हमारा तीन रसना है, रसना से भी लड़ लूंगा, यहाँ भी लड़ लूंगा, सदर भी और कहने में कि गाजीपुर हमारा ये जोहराबाद भी। कारण क्या है कि हमको अब ओम प्रकाश मेरे पीछे पड़ा है तो मैं उसके पीछे पड़ूंगा, अगर बीजेपी टिकट देती है तब भी, अगर नहीं भी देती है तो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, बिल्कुल किसी पार्टी से समाज पार्टी है, जब ओम प्रकाश इधर से उधर जा सकता है तो हम कहीं भी जाकर अपने अवकाश को दिखाकर और मैं उन शीर्ष नेतृत्व को दिखाना चाहता हूँ।